leadership is about taking responsibility. If you are not responsible for the people who work with you, for your vendors, for your customers, जिनके लिए आप बना रहे हैं product, तो आप leader की कहीं से नहीं हैं, आप बस सिर्फ shop खुला कर रहे हैं, अपना करने थोड़ी देर। आप किसी को कभी inspire नहीं कर सकते, आप कभी किसी की जिंदगी बदल नहीं सकते, बल्कि आप लोगों की जिंदगियों में नुकसान की वजह बनेंगे, फायदे की वजह नहीं बनेंगे। तो leadership का सबसे बड़ा असूल है, उसमें ये चीज fundamental है कि क्या मैं अपने actions, अपने words, अपने thoughts की वजह से क्या मैं किसी की जिंदगी में मुश्किल तो नहीं डालता, क्या मेरी वजह से किसी के कॉम्प्लेक्सेस तो नहीं बढ़ रहे। लीडर कभी भी किसी और को ब्लेम नहीं करता, हमेशा पहले अपनी गलती देखता है, हम गलत क्या कर रहे हैं। क्योंकि देखें, जब कोई इदारा बनाया जाता है या कोई जगह बनाई जाती है, वहां पे तफरक नहीं किया जाता। आपका राइट है, आप जो मर्जी पहन लिया है, आप जैसे मर्जी, हाँ हमारे कुछ नॉर्म्स हैं, उनको मत तोड़े, क्योंकि इदारा है आफ्टर ऑल, SOPs हैं, उनको मत आप ब्रीच करें। लेकिन हम कैसे किसी को मुश्किल में डाल सकते हैं? अब ये सोच होना क्यों इम्पोर्टेंट था, मेरा ये कहना ये करना, क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग हैं जो बहुत ही यंग, ये सोच होनी जरूरी है। और इस सोच की जो कमी है, उसने हमें एक सेल्फिश फॉर्म बना दिया। सेल्फिशनेस एक बहुत बड़ा थ्रेट है, स्वॉट एनालिसिस थ्रेट टी, सेल्फिशनेस एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और लीडर कभी सेल्फिश नहीं होता, हो ही नहीं सकता, वो हमेशा पहले देखता है जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं, अगर लीडर पॉलिटिशियन है, अच्छा पॉलिटिशियन है, तो मेरा ख्याल है अपना मुल्क आगे रखेगा, हर चीज से पहले, क्योंकि वो उसने रोल ले लिया, या तो लेता मत। अगर सीईओ है तो अपनी कंपनी को पहले रखेगा, मेरी कंपनी के लिए अच्छा सीईओ कौन है, मेरे पास मेरी कंपनी के बारे में बेहतर लोग कौन से, अपनी नियत से, यानी मुझे पसंद कौन है, बेहतर कौन है। सेल्फ ईगो, इसको मारना इतनी बड़ी जंग है जी, और इसके लिए कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए होते, कोई औहदे नहीं चाहिए होते, ये अपनी जंग है। कभी कभी तो आप रेडी वाले को देखेंगे तो उसका ईगो बहुत है, कभी से कुछ कहकर तो देखें, क्योंकि ईगो इज अ डिपिक्शन ऑफ आर कॉम्प्लेक्सेस एंड आर शॉर्टकमिंग्स। हम उसको छुपा देते हैं ईगो के अंदर, फॉर व्हाटएवर, आई डोंट केयर, यू डोंट केयर, व्हाई डोंट यू केयर, यू आर सपोज्ड टू केयर। इंसान है, जानवर केयर नहीं करता, बुरा ना मानेगा, जहां पेशाब आएगा वो खड़ा कर देगा, ऐसे ही है। इंसान क्या करते, इंसान ख्याल करते, कुछ चीजें ऐसी नहीं है जो पब्लिक में,